नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या हो सकता है आज हम बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट का सिनेरियोस क्या है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट अगर देखें तो नैसडैक 65 पॉइंट नेगेटिव है, फ्लैट नेगेटिव, और यूरो भी, यूरोप के मार्केट्स भी फ्लैट नेगेटिव और नेगेटिव में बंद किए हुए हैं, मतलब लगभग हाफ पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली एक पिक्चर आ जा रहा है कि मार्केट कल फ्लैट हो सकता है या फिर फ्लैट नेगेटिव हो सकता है। तो चलिए निफ्टी की तरफ चलते हैं। निफ्टी का मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है, 30 तारीख हो गया, कल एक ही दिन है महीने का आखिरी दिन, और अगर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल में बार बार लग के वापस आ रहा है और यहाँ पे एक वीक बना है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या फिर आप शूटिंग स्टार बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक अच्छा साइन नहीं है। मंथली कैंडल चार्ट में टॉप में एक इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार बन जाना, तो यहाँ पर एक नेगेटिव पिक्चर आ रहा है आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। उसी के साथ वीकली कैंडल देखना चाहें तो वीकली कैंडल में वैसा ही है, रेजिस्टेंस लेवल से वापस आया है। यहाँ पे एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना था, उसके बाद नीचे गैप डाउन में ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा बाय हो सकता है, लेकिन उतना जोरों से तेजी नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर तेजी देखने के लिए भी मिले फिर भी उतना जोरों से तेजी नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो हो सकता है चौपी रहे मार्केट पॉजिटिव साइड में, फ्लैट रहेगा, नेगेटिव साइड में खुला रहेगा पोजिशन। डेली कैंडल चार्ट में उसी तरह ही नेगेटिव ट्रेंड में है। मार्केट ट्राई किया था ये रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने के लिए, लेकिन वापस आ गया। 17,400 का रेजिस्टेंस है, उसको तोड़कर अगर रखता है तो हो सकता है मार्केट पॉजिटिव चौपी रहे। मार्केट में तेजी देखने के लिए मिलेगा 17,750 के ऊपर अगर जाता है निफ्टी, उसी के बाद ही हम पॉजिटिव मार्केट देखने की आशा कर सकते हैं। फिलहाल फिर 1 आवर चार्ट में आते हैं। आवरली चार्ट में वैसा ही है, मार्केट बहुत बार अप एंड डाउन हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2044 मैंने रखा हुआ है, इसको थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं 200 कर देता हूँ। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेके वापस गया है, मुझे नहीं लगता सस्टेन कर पाएगा, 200 तोड़ देगा। मेरा 17,000 का टारगेट है सेल साइड में, आप अगर काम कर रहे हो। अगर कल का वीडियो देखे होंगे तो मैं निफ्टी के बारे में कुछ बताया था, नेगेटिव रहेगा, कितना नेगेटिव हो सकता है, आपको अगर लिंक चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 15 मिनट कैंडल चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे डबल टॉप बना था, डबल टॉप बनकर ये नेकलाइन तोड़ के मार्केट नीचे आया है, तो फिर से ये जो रिट्रेस पॉइंट गया है मुझे नहीं लगता यहाँ पे सस्टेन करेगा, मार्केट यहाँ से तेजी से गिरने की संभावना रख सकता है। तो कल मार्केट में आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं कि पुट साइड में आप काम कर सकते हैं या फिर आप कॉल बेच सकते हैं। पुट खरीदने से अच्छा है कॉल बेच दीजिए, क्योंकि तेज मंदी और तेजी जो भी देखेगा मार्केट में उतना जोरों से नहीं देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी। मेरे वीडियो से बहुत लोगों को हेल्प हो रहा है, वो सब मुझे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप में, जो भी मैसेज कर रहे हो आप लोगों को रिक्वेस्ट है आप काइंडली कमेंट सेक्शन में भी बताइए कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या आपको हेल्प हो रहा है। यहाँ पे एक डाउनवर्ड चैनल बन रहा था, डाउनवर्ड चैनल बन के प्राइस ऊपर गया था, रेजिस्टेंस लेवल जो टारगेट हमने रखा था उस टारगेट को अचीव करके फिर से वापस आया है। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, हाँ रेजिस्टेंस लेवल 40,000 है, लेकिन निफ्टी आपको नया हाई बनाए या ना बनाए, बैंक निफ्टी आपको नया हाई बनाते हुए देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर बना है मंथली जनरल चार्ट में, जो अच्छी बात नहीं है, हो सकता है प्राइस में थोड़ी गिरावट मिले उसके बाद फिर से वापस जा सके। आने वाले महीनों में सेप्टेम्बर में एक अच्छा सा हाई देखने के लिए मिलेगा, अक्टूबर में हो सकता है आपको एक डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिले। वीकली कैंडल चार्ट में क्लियरली यहाँ पे एक बता रहा है कि यहाँ पे कुछ चौपी पैटर्न ही बनेगा, कुछ मेरे हिसाब से कुछ ऐसा पैटर्न जो मार्केट को दो तीन कैंडल, अभी तो दो तीन वीक ऐसे चौपी मार्केट आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो डाउनसाइड में ही मिल सकता है वीकली कैंडल चार्ट के हिसाब से। उसके बाद आते हैं डेली कैंडल चार्ट में। डेली कैंडल चार्ट में उसी तरह मैंने जो ट्रेंड डाला है उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। आवरली चार्ट्स अगर देखें, आवरली चार्ट में
मार्केट गैप डाउन में खुला था, फिर भी ये जो नीचे वाला सपोर्ट है उसको ही मेंटेन कर रहा है। 15 मिनट चार्ट में क्लियरली मेंशन हो रहा है यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। अगर पैटर्न्स के बारे में आपको आइडिया नहीं है ट्रेड करना छोड़ दीजिए, क्योंकि बिना पैटर्न्स के आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मार्केट अगर बैंक निफ्टी 38,562 के ऊपर चलता है तभी जाके हम पॉजिटिव साइड में सोच सकते हैं। मार्केट अगर ये लेवल तोड़ता है 38,000, मैं फिर से बता रहा हूँ, नोट कर सकते हो, 38,570 नोट करके रख सकते हैं, इसको अगर तोड़ता है तो बैंक निफ्टी आपको हो सकता है लगभग 39,000 को छूते हुए देखने के लिए मिल सकता है, मतलब लगभग 500 पॉइंट। उसी तरह बैंक निफ्टी अगर तोड़ता है नीचे के साइड में 38,300, फिर से नीचे आ जाएगा 38,100 या फिर उसका लो भी तोड़ के और नीचे यहाँ पे 37,500 के आसपास भी आ सकता है, 37,700 तक भी आ सकता है। तो दोनों साइड में मैंने ओपन किया हुआ है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आने वाले समय में चौपी रहेगा, लेकिन बैंक निफ्टी मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि पीएसयू बैंकिंग और बैंकिंग्स में थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड देखने के लिए मिला है, अंडर वैल्यू मिल रहा है लोगों को शेयर्स, तो बैंकिंग शेयर्स में लोग निवेश करने के लिए पीछे नहीं हट रहे। लेकिन ग्लोबल मार्केट के बारे में बता दूँ, ग्लोबल मार्केट का अच्छा सिनेरियो नहीं है। न्यूज़ अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चल चुका होगा कि यूएस में इन्फ्लेशन के चलते एक इंटरेस्ट रेट का हाइक करने का फैसला लिया गया है, जो कि मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। इस न्यूज़ के चलते निफ्टी बैंक निफ्टी में एक गिरावट देखने के लिए मिला है और आने वाले समय में भी मिल सकता है। अगर यहाँ पे डेली कैंडल चार्ट में देखें तो ये लेवल है जो 38,000 अगर तोड़ देता है तो बैंक निफ्टी आपको भगवान ना करे लेकिन 37,500 या 37,000 तक बैंक निफ्टी आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा पॉजिटिव साइड में ही बैंक निफ्टी में हूँ। देखिए आपको कैसा महसूस हो रहा है, अभी कुछ नहीं बता सकते, यहाँ पे ब्रेकआउट जिस तरफ बनेगा मैं उस तरफ पोजीशन बनाऊंगा। आशा करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया हुआ है आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट अनब्लॉक्ड।